वो लोग जिनका जन्म अप्रैल में होता है, तो वो लोग कैसे होते हैं, उनका करियर, उनके रिलेशनशिप, उनकी सक्सेस, उसी विषय में आज बात करने वाली हूँ। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज इस सीरीज में, जिसमें अब तक हमने बात करी है जनवरी, फरवरी एंड मार्च में जन्मे वो लोग कैसे होते हैं, उनकी सेहत, उनका करियर, आज बात कर रहे हैं अप्रैल के लिए। तो अगर आप हैं या आपके परिवार में कोई है, जान पहचान में कोई है, तो ज़रूर वॉच करें इस वीडियो को और शेयर भी करें। पर उसके पहले जल्दी से जुड़िए हमारे इस इनविंसिबल परिवार के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो हर हफ्ते एपिसोड्स रिलीज करती हूँ वेंसडे एंड संडे, आप तक पहुँच सकें। अब अगर कोई व्यक्ति जिसको अपनी जन्मतिथि नहीं पता, साल नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि अप्रैल में उसका जन्म हुआ, फॉर फोक्स हु जस्ट नो दैट दे बॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो कैसे होते हैं। अगर सिंप्लिसिटी में ऐसे समझें कि अप्रैल मंथ है फोर्थ मंथ, अप्रैल का नंबर आया फोर, तो इतने सारे मेरे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो जल्दी से बताएं नंबर फोर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सिंपल, एक तो ये व्यक्ति जो अप्रैल में जिनका जन्म होता है, वो रिजिड होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, किसी भी चीज़ को अगर ठान लिया या मन बना लिया तो वैसे ही करना है, और एडवेंचरस होते हैं, कुछ नया जल्दी ट्राई करना नहीं है, लेकिन कुछ नयापन लाइफ में चाहिए। देखने में अच्छे होते हैं, उनकी काठी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती है, और यूं कहूँ तो रॉब होता है या रॉबीले होते हैं। दे लाइक टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन देयर डिसीजन, दूसरे जब व्यक्ति अपना निर्णय लेते हैं तो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट भी उसमें हो। दिल के अच्छे होते हैं, रोमांटिक बहुत होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। अब आपको हैरानी होगी मेरी इस बात पे कि रोमांटिक बहुत होते हैं, दर्शाते नहीं हैं, लेकिन जिनसे इनका लगाव होता है उन तक अपनी बात पहुंचाने में झिझकते भी नहीं हैं। क्यूरियस होते हैं, कुछ नया जानने की चेष्टा हमेशा करते हैं, तो कहूँगी जो जिज्ञासा होती है इनकी और कुछ नया करने की चाहत, खोजते हैं। तो इनके सोशल सर्कल में भी आप देखेंगे ये नॉर्मली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, या वो बात उनमें कुछ अनूठी होती है जो इनके दिल को भा जाती है। ये तो हुई इनकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। अब नेगेटिव की भी थोड़ी बात कर लें, तो ज़िद्दी हैं, अगर उसको कंट्रोल नहीं करते तो रिलेशनशिप में इश्यूज हो जाते हैं। वो कैसे कि अपने मन की ही करनी है, अपनी मनमानी है, और फिर धीरे धीरे आदत ये हो जाती है कि भाई मुझे पता क्यों नहीं, मुझे बगैर बताए ऐसा क्यों किया गया। तो जो इंटरफेरेंस की हैबिट या दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की आदत, कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और जिनसे लगाव होता है काफ़ी गहरा लगाव होता है, और वो लगाव अगर इन्हें वापस नहीं मिला तो थोड़ी सी मन में इनके कड़वाहट आ जाती है। तो कहते हैं ना, वो जुनून की हद तक किसी से लगाव या प्यार करना इनका ही स्वभाव होता है। हाँ, पर परिवार, परिवार का रुतबा, परिवार का नाम इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और एक ख़ास बात ये होती है, जल्दी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करेंगे, या प्रॉब्लम है लाइफ में वो नहीं बताएंगे, लगाव और प्यार जिसके साथ है उसको ज़रूर जाहिर करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी कुछ अच्छाई और इनके बारे में कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। रिश्ते की भी हमने जल्दी से बात कर ही ली कि रोमांटिक होते हैं, लव मैरिजेस होती हैं, पर कुछ एक केसेस में मैंने देखा है तो फर्स्ट लव जो इनका होता है वो शायद उनसे उनकी शादी नहीं हो पाती, और अगर हो जाती है तो उसमें सेटल होने में, रिलेशनशिप में वास्तविक को दिल का प्यार बढ़ने में कुछ समय लगता है। और अगर करियर की बात करूं, वेल, करियर के मामले में यूं कहूंगी कि ये लोग स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में तो भाई जाने के लिए चार तो चाहिए आपको, साथ ही साथ सूर्य भी प्रबल होना चाहिए। तो ये लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और रियल स्टेट के में भी जाते हैं, रिसर्च या टेक्नोलॉजी,
तो एक होता है प्रोफेशन टेक्नोलॉजी में वो जो लोग कोडिंग करते हैं, और एक वो होते हैं कि जो पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी टीम को मैनेज करें, या उनका बैक स्ट्रक्चर, सो आईटी आर्किटेक्ट्स इस लाइन से जा सकते हैं, और वास्तु वाले भी होते हैं। चार की एक खासियत ये है कि ये तो चार अप्रैल में जन्मे जो लोग हैं, एक खासियत ये होगी कि ये चीज़ों को गहराई तक समझना चाहते हैं, टेक्निकल स्किल्स में भी जाएंगे तो इनकी कमांड अच्छी होती है। अब एक चीज़ होती है, स्वभाव में गुस्सा होता है या हंसमुख होते हैं। अगर गुस्सा ज़्यादा आया तो मान लीजिए कि बस फिर एकदम से उबल पड़े, फिर शांत हो गए, और हंसमुख हैं तो किसी चीज़ का बुरा ही नहीं मानना, सानू की वो वाला एटीट्यूड हो जाएगा। पर एक चीज़ मैंने और देखी है अप्रैल वालों में कि अगर वो गलती करते हैं जल्दी से मानेंगे नहीं, वो प्यार प्यार में अगर आपने कह दिया मुझे पता है आप ही ने किया है, तो मुस्करा देंगे, एडमिट नहीं करेंगे। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो मैं शेयर कर रही हूँ हर वो व्यक्ति जिसका जन्म अप्रैल में हुआ है उसके साथ लागू होगी, बिल्कुल नहीं। फिर तो हम लाइफ की ब्लूप्रिंट लिख दें, फिर ईश्वर का हाथ ही कहाँ रहा, राइट? कुछ ही एट्रीब्यूट्स कुछ लोगों में मिलेंगे, कुछ बाकियों में मिलेंगे। अब इनके लकी नंबर्स की बात करूं, चाहेंगे आप मैं करूं राइट, तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं अब तक की मेरी बात, या अप्रैल में जन्मे आप हैं आपके परिवार में तो आपको कितनी सही लगी। और एक चीज, बातों ही बातों में ये भी ध्यान आए कि अगर आपको ये चैनल से जुड़े हैं आप, ये कंटेंट आप इंजॉय कर रहे हैं, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरी जल्द ही लॉन्च कर रही हूँ मेंबरशिप, द यूट्यूब मेंबरशिप, जिसमें हर महीने एक लाइव सेशन होगा, मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि जीवन में हाउ डू वी लेट गो, या हाउ डू यू अट्रैक्ट अबंडेंस, या हेल्थ इश्यूज हैं, या मनी मेडिटेशन, तो महीने में एक बार लाइव सेशंस होंगे मेंबर्स के लिए ही। एक्सक्लूसिव कंटेंट हर हफ्ते पोस्ट करूंगी सिर्फ मेंबर्स के लिए ही ग्रुप में। तो और आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो यूल बी पार्ट ऑफ द इनर सर्कल एज अ क्रिएटर। इट रियली हेल्प्स कि अगर आप अपनी आइडियाज़ और रिकमेंडेशन देते हैं उसी बेसिस पे मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करती हूँ। इस मेंबरशिप के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेंशन करती रहूँगी, पर ये जल्द ही लॉन्च करने वाली हूँ। तो अब इनके लकी नंबर्स की बात करते हैं, तो एक नंबर वन सूर्य, तो एक का दिन संडे भी इनके लिए अच्छा रहता है। 5 नंबर 5 भी इनके लिए लकी रहता है। अब नंबर 5 कुछ लोगों के लिए बिल्कुल लकी नहीं रहेगा, और उसकी वजह ये होगी कि मंथ पे बेसिस हैं ये सारी बातें। अगर पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आया है जो नंबर 5 के एंटायर है तो प्रॉब्लम होती है, पर यूजुअली 1, 5, 4 एंड 2 मैंने देखा इनके लकी नंबर्स होते हैं। रंगों की बात करूं तो हल्के रंग, एक आदत बना लीजिए, डार्क कलर्स ना थोड़ा अवॉइड करिए, तो लाइट ऑरेंज कलर इनके लिए अच्छा होगा, हल्के ग्रे कलर जो होता है, और लाइट गोल्ड टोन्स, सुनहरे कलर में जो लाइटर टोन्स आते हैं वो उनके लिए अच्छी होती हैं। अब दिन की बात, तो संडे तो मैंने आपसे अभी बताया ही, वेंसडे बुधवार भी इनके लिए अच्छा है, और फ्राइडे भी इनके लिए अच्छा होता है। अब आप में से बहुत ही व्यूअर्स ने पूछा कि ये दिनों का, या हाउ टू यूटिलाइज द लकी डेज, तो अगर आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग्स पे जाना है, कोई इम्पोर्टेंट डील साइन करनी है, लोगों से मिलते हैं, तो अगर आप लकी डे का, लकी नंबर्स का ध्यान रखते हैं तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब मुझे अगर आप जानते हैं तो बगैर रेमेडी बताए तो मैं ये एपिसोड कंप्लीट करूँगी ही नहीं, और आप चाहते हैं मैं शेयर करूँ राइट? तो मैंने एक अनूठी बात नोटिस करी है जिनका जन्म अप्रैल के महीने में होता है, कि इनको अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर, अगर आप हैं या आपके परिवार में है कोई अप्रैल के जन्मे लोग या दोस्तों में, ये चाहते हैं कि इनको कोई स्ट्रांग फाउंडेशन दे, कोई ऐसा दोस्त जिससे अपनी दिल की बात शेयर करें, जो उनके लिए हमेशा हो, सही राय दे, सही राय दे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप हैं तो कोशिश करिए कोई एक ऐसा दोस्त जरूर बने आपका जो आपको सही राय दे, गलत रास्ते पे जाएं नहीं आप, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इन्हीं अंग चार में एक प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाए, या कार्ड्स खेलने की आदत पड़ जाए, या गुस्सा हद से ज्यादा आ जाए, या डिप्रेशन में चले जाएं, या हेल्थ इश्यूज होंगे, या मनी इश्यूज।
तो फाइनेंसेस इनके अच्छे होते हैं क्योंकि ये सेविंग अच्छी करते हैं, हाथ भी खुला है, खर्चीले भी होते हैं। इनको सिर्फ इतना ध्यान देना है अपनी लाइफ में, सिर्फ ये एक रेमेडी इनको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी, और वो क्या है, इनको लाइफ में बैलेंस करने के लिए लाइट कलर, जैसे ही मैंने जो कलर्स बताए उनका यूज़ तो करते रहें। संडे को ये मीट कभी भी ना खाएं, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। अब बहुत शौक है, पसंद है, तो भाई आप डिसाइड कर लो कि लाइफ में सक्सेस चाहिए या सिर्फ मीट ही खाना है। अगर ये मीट को अवॉइड करते हैं और अल्कोहल को, अब देखिए आधी बात तो आपसे शेयर कर नहीं सकती, तो संडे स्पेशली नॉनवेज नहीं। और जैसे जैसे ये ड्रिंकिंग अवॉइड करते हैं इनकी लाइफ की करियर पाथ बढ़ता जाता है। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो पीते ही नहीं, लाइफ में फिर भी स्ट्रगल है। आ रही हूँ आपकी बात पे भी आ रही हूँ, तब आप क्या करें। अब देखिए, कर्मा है, किया वो तो याद नहीं है, जब जो बोया वो याद नहीं है, फल काटना पड़ रहा है तो पीड़ा है, तो व्यक्ति तभी डॉक्टर के पास जाता है जब पीड़ा होती है। अब डॉक्टर बेचारा भी कह ले कि मैंने तो तुझे कहा था विटामिन डी ले लेना, अब ये थोड़े कि तू एक दिन में सारा ले ले, ये तो वही बात हुई, राइट। आपकी लाइफ में भी पीड़ा है, तो रेमेडी धीरे धीरे काम करती है। और आपकी लाइफ का विटामिन डी क्या है, सूर्य। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल हो रहा हो, सुबह सूर्य उगने के साथ उठें, और उगने के बाद चाय का कप हो, या आप योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन, जाके 100% फ्री सूर्यदेव को प्रणाम करें, 10-15 मिनट बैठ जाएं। ना आपको कोई रत्न पहनना पड़ेगा, ना अंगूठी, ना कोई धागा, ना कोई मंत्र। अब आप कहेंगे होता है, वेल अगर आप मुझे जानते हैं तो यूं ही नहीं शेयर करती कभी भी कोई बात आपके साथ। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। सुबह उठिए, सूरज उगने से पहले, सूरज उगने के साथ, उसके बाद प्रॉब्लम होगी। सूर्य उगने के साथ अगर आप उठते हैं और 10 मिनट बाहर वो उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, तो आप ही कहेंगे वापस इस चैनल पे आके, सिर्फ 40 दिन करके देखिए फ़र्क नज़र आएगा, और जीवन भर करिए। भाई आपके पैसे तो लगने नहीं, बल्कि आपको कामयाबी मिलनी, और वो भी मुफ्त में। तो आप बताएं आप क्यों नहीं करेंगे, ट्राई करके देखिए, और मुझे कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, और इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करें, और मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।